हिंदुओं में प्रसाद का बहुत महत्व है और सभी हिंदू मंदिरों में प्रसाद मिलता है, लेकिन तिरुपति बालाजी के नवेद्यम लड्डू प्रसाद की बात ही अलग है। लोगों को इतना पसंद है प्रसाद कि 1,00,000 किलो लड्डू हर महीने पटना के महावीर मंदिर से ही लोग प्रसाद के तौर पर ले जाते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे कि बालाजी का यह प्रसिद्ध नवेद्यम लड्डू प्रसाद आखिर बनाया कैसे जाता है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले देखिए, लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे चने के दाल की पिसाई हो रही है, उससे अपना बेसन बनाया जाएगा। तो ये जो आपको इधर नजर आ रहा है रखा हुआ सारा, ये सब बेसन है। बेसन पिसने के बाद देखिए यहाँ पे लाया जा रहा है, जहाँ पे इस बड़े से कंटेनर में इसमें पानी मिक्स किया जाएगा। ये देखिए इधर से अपना बेसन आ रहा है और यहाँ से पानी खोल दिया है, ऊपर से रोटेट होता रहेगा, पानी इसमें डलता रहेगा और बेसन के साथ ये बिल्कुल यूनिफॉर्म मिक्स होकर तैयार होगा यहाँ पे। और अब जो अपना बेसन तैयार हुआ है वो आप देखिए बाहर निकल रहा है, बाहर इसे इस भगोने में इकट्ठा कर लिया जाएगा, यहाँ से जाएगा बूंदी बनने के लिए। नंदिनी का घी है जो कि कर्नाटका से मंगाया गया है। बेसन का जो अपना घोल बनके तैयार हुआ है अब ये लिया गया है, ये यहाँ से जाएगा कढ़ाई में जिससे कि बूंदी बनेगी। तो बेसन का घोल देखिए झरन के ऊपर डाला जा रहा है और नीचे से बूंद बूंद करके अपनी ये बूंदी निकल रही है। और आप कढ़ाई का साइज देखिए कितनी बड़ी ये कढ़ाई है, और ऐसी केवल एक ही कढ़ाई नहीं चल रही है यहाँ पे, ऐसी यहाँ पे 3 कढ़ाइयां चल रही है। ये देखिए इधर दूसरी कढ़ाई है, यहाँ पर भी बूंदी बनाई जा रही है, और यहाँ अपनी तीसरी कढ़ाई है उसमें भी इसी तरीके से बूंदी बन रही है। और पीछे आपको नजर आ रहा होगा वो पिछले नोट की बनी हुई बूंदी रखी है, इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए पिछले नोट की बनी हुई बूंदी रखी है। मुश्किल से 1 मिनट लगी है, बूंदी देखिए अपनी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है, अच्छे से पक चुकी है। आप कलर देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इसमें। अब इन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, बाहर निकाल के देखिए यहाँ पे टोकरी में ये इकट्ठी की जाएंगी, इनके अंदर जो एक्स्ट्रा घी है वो नीचे निकल जाए। घी निकलने के बाद ये बूंदी देखिए अपनी यहाँ पे लाके रखी जाती रहेंगी, जहां से जाएंगी अगले स्टेप के लिए। बूंदी बन के तैयार हो चुकी है और अब देखिए यहाँ पे अपना पानी लिया जा रहा है, और जो पानी लिया जा रहा है वो इस बड़े सी मशीन के अंदर लिया जा रहा है। और अब देखिए इसके अंदर चीनी के कट्टे डाले जा रहे हैं, और इस मशीन में एक बारी में 300 किलो चीनी से चाशनी बन जाती है। जो बूंदी अपनी तैयार हुई है वो अब लेकर आई जा रही है लड्डू बनाने के लिए। तो देखिए जो बूंदी आई है अपनी वो इस बड़े से ड्रम के अंदर डाली जा रही है, और अब इस बड़े वाले ड्रम को जिस मशीन में चाशनी बन रही है उसके नीचे लेकर आया जाएगा। हम आपको दिखा देते हैं अंदर से। तो ये देखिए चाशनी भी अपनी बन के तैयार हो चुकी है, बिल्कुल खोल रही है चाशनी। अब इसके अंदर चाशनी डाली जाएगी बूंदी को मीठा करने के लिए, तो बहुत सारी बूंदी है, और इसमें अभी जो अपने 300 किलो चाशनी बन के तैयार हुई थी वो डाली जाएगी। बूंदी के अंदर चाशनी डाली जा चुकी है, और अब देखिए इसमें इलायची डाली जा रही है, देखिए इसमें पूरा एक ड्रम भर के काजू डाल दिया गया है, और काजू के बाद अब देखिए इसमें डाली जा रही है किशमिश। अब ये जो अपना इतना बड़ा ड्रम है ये अब लिया जाएगा इस मशीन के अंदर, जहां पर सब कुछ मिक्स किया जाएगा। और क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज्यादा है तो मिक्सिंग का सारा काम यहाँ पर ऑटोमेटिकली मशीन के द्वारा किया जाता है। अब मिक्स होकर ये तैयार हो चुका है, इसे बाहर निकाला जा रहा है, तो उसे यहाँ से इन टब्स में लिया जाएगा, जहां से आगे भेज दिया जाएगा लड्डू बनने के लिए। तो देखिए जितना भी ये मिक्सचर आया है अब हर शेल्फ पर इसे फैलाया जा रहा है, और फैलाया इसलिए जाता है कि जो गर्म है मिक्सचर अपना वो ठंडा हो जाए और फिर इससे आसानी से लड्डू बन जाए। अब इस मिक्सचर को अपने को फिर से इकट्ठा कर लिया गया है, और हल्का सा देखिए इसे गूंधा सा जा रहा है, और अब इससे फिर से लड्डू बनेंगे। तो देखिए राम का नाम लिया जाता रहेगा और लड्डू बनते रहेंगे इसी तरीके से। देखिए हर एक काउंटर पर लड्डू बनाए जा रहे हैं, आप देखिए टोटल कितने लोग यहाँ पे लड्डू बना रहे हैं, मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं की हुई है, नेचुरली इसी स्पीड में यहाँ पे लड्डू बनते जा रहे हैं हर एक काउंटर पर। और इतने लड्डू बनते हुए देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इतने लड्डू जाते कहाँ हैं। तो हर महीने यहाँ से कोई 1,00,000 किलो से भी ज्यादा लड्डू प्रसाद के तौर पे भक्त यहाँ से लेकर जाते हैं। लड्डू अपने बनके तैयार हो चुके हैं, और अब देखिए इनकी पैकिंग की जा रही है, यहाँ से पैक होकर ये जाएंगे मंदिर में, जहाँ पर इसका भोग भगवान को लगाया जाएगा, उसके बाद ये भक्तों को दे दिया जाएगा। हमने आपको इसकी मेकिंग दिखाई, बहुत साफ सफाई से बनाया गया, बहुत अच्छे से बनाया गया। अब स्वाद देखते हैं स्वाद कैसा है इसका। बालाजी का प्रसाद है, शब्दों में तो बयां ही नहीं किया जा सकता कितना अच्छा लग रहा होगा। ये प्रसाद की वीडियो बनाकर इसको ग्रहण करके मुझे जो अनुभूति हुई है वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। आप अगर पटना आ रहे हैं महावीर मंदिर जरूर आइएगा, और यहाँ से ये नवेद्य प्रसाद जरूर लेकर जाइएगा, खुद भी खाइएगा, अपने घर वालों को भी खिलाइएगा, आपको भी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। मुझे यहाँ पे वीडियो बनाकर मजा आ गया, अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।